वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द फाइव चैप्टर ओवरव्यू ऑफ MS Excel। MS Excel के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं हाउ टू यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन। सेल पढ़े थे, रोज, कॉलम, ये सब हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब इसमें जो ऑलरेडी फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सम। एड द डेटा लाइक गिवन इन अ शीट। इस तरह से आप शीट में डेटा लिख सकते हैं, विपुल, राज, रतन, जतिन, गणेश, फिर उनके ऐसे मार्क्स लिख सकते हैं। सिलेक्ट द वैल्यू विच यू वॉन्ट टू ऐड। आपको जो वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है उसको सिलेक्ट करना है। गो टू द फॉर्मूला टैब। अब ये जो मार्क्स लिखे इसको सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला टैब होती है 4 नंबर की। फिर यहाँ पे फार्मूला में गए, यहाँ पे आता है ऑटो सम। फार्मूला के रिबन पे फंक्शन दिखाई देंगे, उस पर जाएंगे आप ऑटो सम में। ऑटो सम में जाने के बाद आप सम पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किस तरह से करना है, पहले तो डाटा इनपुट करना है। इसमें डेटा इनपुट करने के बाद आपको जिसका सम चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 4th ऑप्शन होता है फार्मूला, वहाँ पे जाएंगे। फॉर्मूला पे जाने के बाद ऑटो सम का ऑप्शन आएगा। ऑटो सम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें सम, एवरेज, मिनिमाइज, मैक्सिमम, ये सब आएगा। उसमें से सम पे क्लिक करेंगे तो इसकी टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। या यू विल गेट द सम ऑफ सिलेक्टेड वैल्यू। आपने ये सिलेक्ट किया था, इसकी वैल्यू आपको टोटल यहाँ पर मिल गई। Similarly, you can apply any built-in function from Excel like count, average, minimum and maximum. ऑटो सम में यहाँ पे जितने फंक्शंस है, काउंट है, एवरेज है, मिनिमाइज है, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब हम आप इस पर कर सकते हैं। ये built-in functions होते हैं। Next है how to create worksheet। worksheet कैसे क्रिएट करेंगे। Here we are going to learn about the simple creation of worksheet. Worksheet को कैसे create करते हैं हम इस पार्ट में देखते हैं। Open MS Excel window. MS Excel window किस तरह से open करते हैं। First Start button, All programs, Microsoft Office and MS Excel 2007. Then इस तरह से हो जाएगी हमारी MS Excel की window open. Write down the name of field in different column. आपको इसमें क्या क्या पुटअप करना है वो डिफरेंट कॉलम में लिखेंगे, जैसे सीरियल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, सिटी एंड स्टेट। ओके, देन इनपुट द रिलेटेड डेटा इन ईच कॉलम। आपने यहाँ पे नेम दिए तो सीरियल नंबर दिए तो 1, 2, 3, 4 इससे रिलेटेड डेटा। फिर नेम लिखेंगे, वशु, लवलीना, पवन, दिनेश, नैन, ये नेम। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड 8, 8, 7, 7, 5। देन सिटी, सूरत, सूरत, वडोदरा, भुज, जयपुर। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखे स्टेट, उसके गुजरात एंड राजस्थान, रिलेटेड इनपुट रखा है उसमें। कंप्लीट द डेटा, कंप्लीट किया ये सब लिखकर। देन सेव योर वर्कशीट, उसके बाद आपको सेव करना है। कहाँ से सेव करेंगे ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप लोग सेव करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्विक एसेस टूल बार। ये है क्विक एसेस टूल बार के सेव ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप लोग सेव करेंगे। कैसे वर्कशीट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट तो हमें वर्क MS Excel ओपन कैसे करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड MS Excel 2007। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलम जो होते हैं उसमें डेटा फिलअप करना है। उसको फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, जो डेटा फिलअप किया है उससे रिलेटेड जो डेटा है उसके नीचे लिखते जाएंगे। जैसे सीरियल नंबर है तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ही लिखे, सीरियल नंबर के नंबर में हमने नेम नहीं लिखे, इस तरह से करना है। देन पूरा डेटा फिलअप हो गया, उसके बाद आपको क्विक एसेस टूल बार पे सेव का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको सेव करना है जो आपने वर्कशीट बनाई है उसको। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट है फिल अप द सर्कल ऑफ राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन। आपको ब्लैक पेन यूज़ करके ये जो सर्कल है यहाँ पे उसको इस तरह से फिलअप करना है।
फर्स्ट है विच बटन सिचुएटेड एट द लेफ्ट टॉप कॉर्नर इन एमएस एक्सेल विंडो। जो एमएस एक्सेल विंडो होती है उस पे लेफ्ट साइड पे कौन सी बटन होती है, ऑफिस बटन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज? तो वहाँ पे होती है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन को आप इस तरह से सर्कल करेंगे पेन से, इस तरह से आपको ये फिलअप करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट कंटेन्स डिफरेंट बटन्स लाइक सेव, सेव एज, ओपन एंड क्लोज। ये किस में बटन्स, ये बटन्स किस में होती है, सेव, सेव एज, ओपन और क्लोज, इंसर्ट टैब, रिबन, ऑफिस बटन? यस, ऑफिस बटन। और ऑफिस बटन कहाँ पे सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड एट द लेफ्ट टॉप ऑफ द एम एस एक्सेल विंडो। विच पार्ट कंटेन्स क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन? ये सभी किस पे होता है, टाइटल बार, स्टेटस बार और मेनू बार। तो ये सब होता है टाइटल बार में। क्या क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, मिनिमाइज बटन एंड मैक्सिमाइज बटन। देन फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, रिबन, स्टेटस बार। हमें जो टॉप साइड में लोकेटेड टू द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे एंड एक्सेल विंडो के, सॉरी एक्सेल विंडो के ऊपर क्या सिचुएटेड होता है, ऑफिस बटन, रिबन की स्टेटस बार? तो यस, रिबन होता है क्विक एक्सेस टूल बार के एग्जैक्ट नीचे। देन फिफ्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज, रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, सेल, रिबन के टाइटल बार, उसे कहते हैं सेल। देन सिक्स, डिफॉल्ट एक्सेल शीट इज नेम्ड विथ, अगर एक्सेल शीट दी हुई है उसको कोई नेम नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या दिया हुआ रहता है, बुक वन। अनटाइटल वन भी नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी नहीं होता, क्या लिखा होता है, बुक वन। तो इसको हम लोग टिक करेंगे। देन सेवन, द सेल एड्रेस ऑफ द सेल इज डिस्प्ले इन द डायलॉग बॉक्स, नेम बॉक्स, फंक्शन बॉक्स। सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है, दिखता है, वो होता है नेम बॉक्स पे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, आपको उसको सर्कल करना है, फिलअप करना है। एक्सेल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन वन शीट, एक्सेल में वन शीट में कितने कॉलम्स होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं 16,384 जो होते हैं कॉलम्स होते हैं वन शीट में। एक्सेल कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज इन वन शीट, वन शीट में कितने रोज होती हैं? तो यहाँ पे होती है 148,576 जो है वन शीट में रोज होती है, एंड 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक्सेल कंटेन्स फिल इन द ब्लैंक सेल इन वन शीट, वन शीट में कितने सेल होते हैं, एक्सेल शीट में वन शीट में कितने सेल होते हैं? तो 16,777,216 होते हैं सेल इन वन शीट। हाउ मेनी स्क्रोल बार अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने स्क्रोल बार होते हैं, टू स्क्रोल बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रोल बार एंड हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। डेटा कैन बी इन विच फॉर्मेट, न्यूमेरिकल, टेक्स्ट, ऑल ऑफ गिवन? तो डेटा जो है वो दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ गिवन। देन फिल इन द ब्लैंक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स डिफरेंट फंक्शन विच परफॉर्म सम रिलेटिव टास्क ऑफ एमएस एक्सेल विंडो। देन ऑफिस बटन हैज शॉर्टकट बटन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक सेव बटन, अंडो बटन एंड रीडो बटन। देन फोर्थ है टाइटल बार सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द एमएस एक्सेल विंडो, टाइटल बार कहाँ पे सिचुएट होता है, टॉप ऑफ द एमएस एक्सेल विंडो।
एक्सेल हैज कॉलम हेडिंग फ्रॉम ए टू एक्स एफ टी, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है. एंड डेटा इज द रॉ इंफॉर्मेशन विच इज एंटर टू द वर्कशीट. ये ऊपर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं. देन क्वेश्चन थ्री, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. स्प्रेडशीट प्रेजेंट टेबल्स ऑफ वैल्यूज अरेंज इन रोज एंड कॉलम. यस, स्प्रेडशीट में हमारे जो टेबल्स होते हैं, हमारा जो डेटा होता है वो किस तरह से अरेंज होता है, व्यूज रोज एंड कॉलम्स में. तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. देन क्विक एक्सेस टूल बार सिचुएटेड एट द लेफ्ट टॉप साइड ऑफ एम एस एक्सेल. यस, ये एम एस एक्सेल शीट के लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे हमारे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू. देन टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द होमवर्क. टाइटल बार पे हमें होमवर्क सॉरी वर्कबुक. टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द वर्कबुक. जो टाइटल बार पे है हमें वर्कबुक का नेम दिखाई देता है, तो यस ट्रू. यू कैन नॉट प्ले मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बाय यूजिंग एक्सेल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं एक्सेल में, उसमें इनबिल्ट ही होती है सम फंक्शंस. द सेल विच करंटली इन द वर्किंग पोजिशन इज नोन एज एक्टिव सेल. ट्रू, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो सेल दिखा ब्लिंकिंग होता है तो उसके बोलते हैं एक्टिव सेल. डिफाइन द फॉलोइंग एक्टिविटीज है, ये आपको खुद को करनी है. देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखनी है ऑफिस बटन के, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिस बटन सिचुएटेड एट द टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर इन एम एस एक्सेल विंडो. एंड ऑफिस बटन कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस विच परफॉर्म सम रिलेटिव टास्क ऑफ एम एस एक्सेल विंडो. ऑफिस बटन के बारे में लिखना है. देन क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, इस तरह से आपको भी लिखना है. देन यहाँ पे टाइटल बार है, इसको भी एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेन करना है उसको कि टाइटल बार क्या होता है, उस वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, उसमें क्या वर्क होता है, ये आप लिख सकते हैं. थ्री मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं. फोर है लिख कर दिए हैं, फोर रिबन, वर्कशीट, फॉर्मूला बार एंड स्टेटस बार, इसको आपको खुद को लिखना है, ये आपके लिए है, इसको आप होमवर्क भी समझ सकते हैं. देन क्वेश्चन टू, राइट डाउन द नेम ऑफ गिवन पार्ट्स इन द बॉक्सेस. ये हमें एक्सेल शीट दी हुई है, इसको आपको हमने जो एट पार्ट देखे हैं एक्सेल शीट के, उस भी आपको ये लिखने हैं. यहाँ पे ये क्या होता है, ऑफिस बटन. देन ये क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज टाइटल बार, देन रिबन, देन ये फॉर्मूला बार, फिर यहाँ पे है ये स्क्रोल बार, ये और ये स्क्रोल बार होते हैं ना, देन ये स्टेटस बार, एंड इसको बोलते हैं वर्कशीट. ये है वर्कशीट. तो इस तरह से आपको ये जो पार्ट्स यहाँ पे दिए हैं इसको लिखना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर थ्री है, विजिट द साइबर कैफे एंड डाउनलोड द आइकॉन ऑफ एक्सेल एंड पेस्ट इट इन द गिवन बॉक्सेस. आपको कैफे में जाके जो है एक्सेल के आइकॉन डाउनलोड करने हैं और वो यहाँ पे आपको स्टिक करने हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एक्सेल ओवरव्यू ऑफ एम एस एक्सेल, ये फिफ्थ पार्ट हमारा फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर.